एमपी सरकार कार सेवकों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी घोषणा की है। भोपाल के कार सेवक अचल सिंह का सम्मान करने उनके गांव धुआखेड़ा पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये घोषणा की। कार सेवक अचल सिंह ने कहा कि इस अवसर पर हमें याद किया, इसकी बहुत खुशी है। कार सेवक से मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रही है। कार सेवा के दौरान अचल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका सालों से इंतजार था, या यूं कहें कि सदियों से इंतजार था। कल रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में होना है, लेकिन उसके पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उन कार सेवकों के पास पहुंच रहे हैं जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इतना ही नहीं, अब उन्हें रामलला के दर्शन कराने भी ले जाएंगे। सर, ऐतिहासिक क्षण तो है और एक ऐतिहासिक फैसला भी। आज इस ऐतिहासिक क्षण के अवसर पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, गौरवान्वित हूं कि मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व के पास आया हूं जो 1992 में कार सेवा करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। उनके मन का संकल्प था, दृढ़ विश्वास था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज वो संकल्प पूरा हो रहा है कि ढांचे पर आप चढ़े थे, हमारे अचल सिंह जी मीणा ढांचे पर चढ़े थे, ढांचा टूटा था, कलंक मिटा था और वो नीचे गिरे थे और उसके बाद 30 वर्षों से बेड पर हैं, वो चल फिर नहीं सकते। आज उनका संकल्प पूरा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज ऐसे लाखों लोगों के बलिदान और संघर्ष के बाद आज रामलला विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो इसलिए अचल सिंह जी को आज मैं सम्मान करने के लिए आया हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो संकल्प है, उनके मन के अंदर हृदय में जो एक उत्साह है कि भगवान विराजमान हो रहे हैं जिसके लिए हम गए थे, उनको दर्शन कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी हम सब मिलकर के करेंगे पूरे परिवार के साथ। और ऐसे जो कार सेवक हैं जो उस समय गए थे, उन सबकी भी दर्शन कराने की व्यवस्था हम सब मिलकर के करेंगे। संघर्ष पूरा हुआ अचल सिंह जी आज? बहुत पूरा हुआ आज। हमारे पीडी शर्मा, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के आज ये नेता नहीं है, मेरे घर देवता के रूप बता रहे हैं। अति प्रसन्नता है, जो कि 30 साल में आज तक मुझे कोई देखने नहीं आया था, आज वो अति प्रसन्नता जो एक देवता के रूप में मेरे घर पधार रहे हैं। जय जय श्री राम। तो देखिए अचल सिंह जी जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और खुश हैं कि जल्द ही रामलला के दर्शन होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। एक तरफ कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के तमाम दल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से किनारा कर रहे हैं, वहीं बैतूल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक नीलय डागा एमपी कांग्रेस के पहले नेता हैं जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या गए हैं। कांग्रेस नेता नीलय डागा और उनकी पत्नी को श्री राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या से आमंत्रण मिला है। और मेरी पत्नी को राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होने वाली है उसका निमंत्रण प्राप्त हुआ है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने मिलकर श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए जो सहभागिता अभियान मैंने चलाया था उसमें आप लोगों ने सहयोग करा। मैं अयोध्या जाकर आप सबकी तरफ से वहां प्रार्थना करूंगा कि मेरे बैतूल विधानसभा क्षेत्र के हर परिवार में सुख शांति समृद्धि एवं सफलता है। जय श्री राम। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में कहां बैठेंगे इसकी तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। राम मंदिर परिसर में पीएम मोदी के लिए 14 फीट ऊंचा मंच तैयार किया गया है। पीएम मोदी के लिए मंदिर परिसर में ही मंच बनाया गया है। पीएम के लिए 10x12 इंच का यह मंच बनाया गया है। मंदिर के चबूतरे पर बनाया गया पीएम मोदी के लिए यह भव्य मंच, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले भगवा कलर का है पीएम मोदी का मंच, बाकी वीआईपी के लिए लगाए गए सोफे और कुर्सियां। तो ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर बैठेंगे वहां की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस मंच की ये तस्वीर। और ठीक इसके सामने दिव्य और भव्य राम मंदिर आप देख रहे हैं जो सज कर तैयार है। भगवा रंग का ये मंच मंदिर परिसर में ही बनाया गया है। इस मंच को
न्यूज 18 पर देखिए सबसे पहले आखिर कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे। बाकी तमाम वीवीआईपीस के लिए सोफे और कुर्सियां लगाई गई हैं। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बस अब एक दिन का समय बचा है और उससे पहले आज प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु का धार्मिक दौरा किया। वहां अरिचल मुराई पॉइंट पहुंचे और इसके बारे में मान्यता है कि वहीं से लंका तक जाने वाले राम सेतु का निर्माण हुआ था। वहां पीएम मोदी ने समंदर किनारे ध्यान किया, समुद्र तट पर फूल चढ़ाए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने धनुष कोड़ी के कोंठार स्वामी मंदिर में दर्शन भी किए। ये श्री राम का मंदिर है और आपको बता दें कि कोठंडराम का मतलब है धनुषधारी राम। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। उसके लिए बीते 10 दिन से वो श्री राम से जुड़े देश के अलग अलग मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आप तस्वीर देख रहे हैं महाराष्ट्र की, फिर आंध्र प्रदेश, केरल के बाद तमिलनाडु में रामायण काल से जुड़े मंदिरों में आशीर्वाद प्रधानमंत्री ने लिया है। तो कल प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर को फूलों से दिव्य भव्य तरीके से सजाया गया है। राम मंदिर के अंदर का सुपर एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको दिखा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभु राम के मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया है। राम मंदिर परिसर को करीब 2500 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। राम मंदिर की छटा अब देखते ही बन रही है। कल पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे में मंदिर की सजावट के साथ तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।